हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया वीडियो जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं ट्राइम्फ स्पीड 400 की। तो यस, ट्राइम्फ ने एट लास्ट बजाज के साथ कोलैब करके मोस्ट अफोर्डेबल ट्राइम्फ लॉन्च कर दी है। सो आज वाला व्लॉग पूरा का पूरा उस एक्सक्लूसिव बाइक के ऊपर होने वाला है। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर अगर आपको ट्राइम्फ की किसी भी बाइक का एक्सपीरियंस लेना हो तो आप टोंक रोड पे आउटलेट है, जाइए। डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक डाल देंगे, गाड़ी का एक्सपीरियंस लो और अपने लिए ड्रीम बाइक लो। सो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको ट्राइम्फ स्पीड 400 के अद्भुत एक्सपीरियंस पे। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, पेश करते हैं स्पीड 400। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हमारे सामने बाइक खड़ी है। सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। कुछ इस प्रकार से दिखने वाली आपको चाबी दिखती है। गाड़ी में आपको दो चाबी मिल रही होती है, इधर की तरफ हमारा ट्राइम्फ का लोगो और इस तरफ लिखा हुआ आपके पास ट्राइम्फ है, ताकि आप भूल ना जाए कि आपके पास एक आइकॉनिक बाइक है। मोस्ट अफोर्डेबल ट्राइम्फ ने ये बाइक बनाई है, जो कि अंडर 3 लाख रुपीज़ आपको जयपुर में मिल रही होती है। सो सच बताओ ना, सबसे पहले आप एक काम करो, आप ट्राइम्फ का जो शोरूम है जयपुर में टोंक रोड पे, आप आओ इसको चलाओ, उसके बाद में बात करना कि आपको कैसा ये एक्सपीरियंस लगा। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट लुक से। सो गाड़ी के अंदर फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार का आपको हेडलैम्प मिल रहा होता है, ऊपर की तरफ हल्की सी ग्रे कलर की लाइनिंग और उसी के साथ में जलती है गाड़ी में DRL। आप कहोगे कैसे जल रही है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाबी लेते हैं और चाबी लगाते हैं ऊपर की तरफ। सो ये हमने लगाई चाबी और अब आपको दिखती है आइकॉनिक आगे की तरफ DRL। सो कुछ इस प्रकार से दिखने वाली DRL, साथ ही के अंदर रिफ्लेक्टर बेस LED आपको हेडलैम्प मिल रहा होता है। किसी दिन रात को ये गाड़ी चलाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इस गाड़ी की रोशनी कैसी है। अब शुरू करते हैं फ्रंट लुक से। सो फ्रंट वाली जो लाइट है, ये आपकी कुछ इस प्रकार की जो क्लैंप है इनसे कनेक्टेड है। सो ये आपके पास में बहुत ही ड्यूरेबल मेटल की आपको क्लैंप दिख रही होती है। दिखने में ये जो डिज़ाइन है, ये कुछ भी ऐसे लगता नहीं है कि ओवर इंजीनियर बाद में सोची हुई, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक पार्ट ऑफ एक्सेसरी होती है ना, वैसी दिखने वाली कुछ इस तरीके से आपके पास में एक क्लैंप है। फ्रंट के अंदर आपकी जो नंबर प्लेट है वो कुछ यहाँ पे लगेगी। कुछ बाइकर्स ने कहा कि भाई साहब नीचे भी लगा सकते थे, पर ये भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मेरी KTM में भी यहीं पर आ रही होती है। कोने के अंदर जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास गाड़ी के अंदर मिलता है एक USB और USB A नहीं है भाई लोगों, यहाँ पर मिलता है आपको USB C। सो आप देख सकते हो यहाँ आराम से आपको सी टाइप मिल रहा होता है। सो जितने भी नए फोन ओनर है, अब उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है, आप आराम से सी टाइप यहाँ पर लगाकर काम में ले सकते हो। जब आप गाड़ी में फ्रंट में देखते हो तो गाड़ी में आपको मिलते हैं USD सस्पेंशन। सो ये 43mm के USD है, जो कि 140mm ट्रैवल है। आज हम बात करने आए हैं स्पीड 400 की। जिस दिन हम स्क्रैम्बलर 400 की बात करेंगे उस दिन आपको बताएंगे उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आप आना शोरूम पर और गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना हो, थोड़े टाइम बाद में लॉन्च करी कंपनी, अभी ये गाड़ी कंपनी ने लॉन्च करी और जयपुर में 300+ बाइक्स तो ऑलरेडी बुकड है भाई लोगों। सो फ्रंट के अंदर 140 आपको ट्रैवल मिल रहा होता है, कुछ इस प्रकार से आपको साइड में रिफ्लेक्टर, और ये जो रिफ्लेक्टर है ये भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि पार्ट ऑफ एड ऑन कुछ लग रहा हो। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे इंडिकेटर्स हैं, थोड़े से स्मोकी डिज़ाइन है, मगर इनकी रोशनी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फ्रंट के अंदर गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के टायर्स हैं। सो इसके अंदर जो ये वाला है, ये अपोलो अल्फा H1 टायर है, इसके अलावा MRF के भी टायर आएंगे। गाड़ी में फ्रंट जो टायर प्रोफाइल है वो आपको मिल रही होती है 110/70 ZR17। तो ZR जो होती है ये रेटिंग होती है हाई स्पीड जो टायर्स होते हैं उनकी, जिसकी वजह से और ज़्यादा आप कंट्रोल में आपकी गाड़ी चल रही हो। सॉफ्ट कंपाउंड गाड़ी में आपको टायर दिए गए हैं, उसी के साथ में कुछ इस तरीके से दिखने वाला अलॉय। अगर मेरी बात सुनो तो मुझे ये डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। अब ये क्या 2-स्पोक डिज़ाइन है, जैसे कहते हैं ना 2-स्पोक यहाँ 2-स्पोक यहाँ, तो ये दिखने में भी खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा मैसी आपको नहीं लग रहा होता। मैसी वाला नहीं फुटबॉल वाला, ये मैसी वाला मतलब दिखने में मैसी। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो मडगार्ड है ये आपको ट्राइम्फ की बाकी जो इससे ऊपर वाला सेगमेंट है उनकी याद दिला रहा होता है। सो ये हमारा फाइबर है, मतलब प्लास्टिक है, मगर इससे जो टॉप वेरिएंट आता है उसमें मेटल का आ रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सच बताओ ना, इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है। कुछ इस तरीके के साइड एलिमेंट्स से ये एडेड है, ऊपर की तरफ आपको फिजिकली यहाँ बोल्ट्स दिख रहे होते हैं,
इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, जैसे गाड़ी फिजिकली दिखने वाली, ऐसे नहीं कि कोई चीज छुपी हो, वैसे वाला इस कंपनी ने इसको डिजाइन करा गया। अब जैसे आप साइड प्रोफाइल देखोगे फ्रंट वाला, वैसे ही आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये मड, जिसे कहते हैं मिट्टी वगैरह, डायरेक्ट ना आए शॉक एब्जॉर्वर पर, इसलिए यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको 300 mm का फ्रंट की जो डिस्की प्लेट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रंट रोटर आपका 300 mm का है। जब आप रियर देखेंगे तो आपका 230 mm का रियर डिस्क रोटर आपको दिख रहा होता है। साथ ही के अंदर ये जो लाइनिंग है, देख पा रहे हो ये वाली लाइनिंग, तो ये वाली लाइनिंग से आप समझ जाओगे कि इस गाड़ी के अंदर फ्रंट और रियर ABS है। सो ABS होने की वजह से जब आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे होते हो तो आप और ज़्यादा अपनी कंट्रोल में गाड़ी को रख पाते हो। बाइबर के आपको 4-pot पिस्टन कैलिपर मिल रहे होते हैं। ये KTM's की बाइक्स में भी आ रहे होते हैं, क्योंकि ये बजाज और ट्राइम्फ का कोलैबोरेशन है, तो आपको कुछ कुछ पार्ट्स की शेयरिंग आपको बजाज की तरफ से दिखेगी। भाई साहब, इन ब्रेकों में कोई कमी नहीं है। उसी के साथ के अंदर जैसे ही आप यहाँ से ऊपर की तरफ चलोगे तो सोने के बने हुए आपको शॉकर दिखेंगे। भाई लोगों, ये जो गोल्डन कलर का टच इस गाड़ी में दिया गया है ना, इसकी वजह से ये गाड़ी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। साथ ही के अंदर इसके अंदर जो हैंडल बार है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा होता है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना क्लासिक हैंडल बार, वैसी कुछ आपको ये डिज़ाइन है। ट्राइम्फ का आपको लोगो मिल जाता है। कुछ इस खूबसूरत आपका टैंक मिल रहा होता है। अब टैंक का सीन ये है कि एक तो टैंक वाइड है और गाड़ी के अंदर टैंक की आपको 13 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल रही होती है। अब जब आप यहाँ देखते हो फ्यूल कैप के ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ E20 फ्यूल। सो लेटेस्ट जो भी E20 फ्यूल है ये गाड़ी उनके लिए भी कंपैटिबल है। गाड़ी का टैंक, भाई साहब इस टैंक से ना नज़र नहीं उठ रही, और जो पेंट की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखा जाए तो ऐसा नहीं है, देखिए ये सबसे ज़्यादा कहते हैं ना इकोनॉमिकल बाइक है ट्राइम्फ की, मगर इस पर जो पेंट की क्वालिटी है, या आपको जो टॉप मॉडल दिखेगा ना Rocket 3, सेम वो का वो पेंट की क्वालिटी इस बाइक पे भी आपको देखने को मिल रही होती है। बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपके पास में ट्राइम्फ का डिकैल देखने को मिलेगा। अब जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर तो आपका सेम रहेगा, ये ग्रे कलर की स्ट्राइप जो है ये भी सेम रहेगी। अब ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको कुल मिला के 3 कलर के ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। या तो आप ले सकते हो ब्लू, अगर आपको ब्लू नहीं लेना तो आप ले सकते हो रेड, और अगर आपको रेड भी कलर नहीं लेना तो आप इस गाड़ी के अंदर जो ब्लैक कलर है ये वाला कलर ले सकते हो। सो अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मेरा तो तीनों कलरों पे दिला रखा है। सो जो फ्यूल कैप है वो कुछ इस तरीके की दिख रही होती है। यहाँ से आप इसको खोल सकते हो, और एक काम करते हैं इसको एक बार खोल के भी चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका फ्यूल जो कैप है वो ओपन हो जाती है, वही मॉडर्न क्लासी लुक। अब गाइज, क्योंकि हम चाबी वापस लगा रहे हैं, तो आपको एक और बहुत खूबसूरत चीज़ बता देते हैं। अब आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा होता है इंजन इमोबिलाइजर। सो इंजन इमोबिलाइजर जो है ये सिर्फ कारों में आज तक हम देखते हुए आ रहे थे। बेसिकली आपकी गाड़ी को चोरी करना इतना आसान काम नहीं होता। चाबी और गाड़ी के अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, सिर्फ उसी चाबी को स्कैन करके आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही होती है। सो कमेंट करके मुझे बताना ये चीज़ आपको कैसी लगी। साथ ही के अंदर कुछ इस तरीके से दिखने वाले गाड़ी के अंदर आपको जो साइड मिरर्स है वो मिल जाते हैं। अगर आपको वैसे वाले मिरर लगाने हैं तो उसके लिए भी आपका ये वाली जो जगह है इसके ऊपर, ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे से, यहाँ पर करके आप वैसे वाले मिरर जो कहते हैं ना इससे कनेक्टेड मिरर, वो भी आप लगा सकते हो। मगर गाइज ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। किसी दिन मौका मिला तो हम अलग से ट्राइम्फ की एक्सेसरीज वाले जो कहते हैं ना कौन कौन सी एक्सेसरीज गाड़ी के साथ आती है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, मगर वो तब बनाएंगे जब आप हमें कमेंट करके बता रहे होंगे। उसी के साथ में कुछ इस तरीके से दिखने वाली एक सिंगल सीट आपको यहाँ पर मिल जाती है, बहुत ही अच्छी ड्यूरेबल आपको क्वालिटी है। साथ ही के अंदर जो पैडिंग है वो भी आपको बहुत अच्छी मिल रही होती है। बेसिकली KTM ओनर्स ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सीटों में ना कुशनिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मगर जब आप इस सीट को देखते हो तो बहुत अच्छी आपको कुशनिंग मिल रही होती है। साथ ही के अंदर पीछे की तरफ पिलियन के लिए बैठने के लिए, हालांकि मैं इस बाइक पर बैठ चुका हूँ पिलियन बन के भी, तो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट था बैठने के अंदर, बाकी जब चलाएंगे तब एक्सपीरियंस करेंगे। साइज़ भी बहुत अच्छी, और साथ के अंदर कुछ इस तरीके का जो आपका डिज़ाइन एलिमेंट है उससे ज़्यादा और खूबसूरत हो जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पर अगेन ट्राइम्फ, भूल ना जाओ आपके पास ट्राइम्फ की बाइक है। और इस तरफ आपके पास में यहाँ पर एक लेग गार्ड मिल जाता है, लेग गार्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ट्यूबुलर आपको स्टील फ्रेम मिल रहा होता है। अब इस ट्यूबुलर फ्रेम में एक चीज़ मुझे ऐसी लगी जिसका भाई साहब मैं बाकी भारी दीवाना हो गया, वो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ। आप ये सोचिए कि गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर फैन है उसको इनबिल्ट करने के लिए आपका पूरा का पूरा एक सर्कुलर चैसी के अंदर एलिमेंट एड ऑन है, आप आई गेस यहाँ से देख सकेंगे। सो आप ये सोचो गाइज कि आपका एग्जैक्ट फैन जहाँ लगेगा आपके चैसी में एक्स्ट्रा एलिमेंट एड ऑन करा गया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो गाड़ी के अंदर हमको
400 सीसी का मैं उधर की तरफ आ जाता हूँ ताकि ये ज़्यादा आसान रह जाए आपके। गाड़ी के अंदर आपका TR सीरीज का 400 सीसी का इंजन मिल रहा होता है जो कि 39.5 BHP पावर जनरेट कर रहा होता है, साथ ही के अंदर 37.5 NM टॉर्क जनरेट कर रहा होता है। अगर गाड़ी का मैं ऑल ओवर वेट की बात करूँ तो 176 गाड़ी का KG ऑल ओवर वेट है। तो कंपनी ने कोशिश करा है कि गाड़ी को लाइट वेट मगर मोस्ट पावरफुल अपने सेगमेंट में बना सके। अब आप बहुत सारे लोग, एक रूमर फैल रखा है मार्केट में, वो ये है कि भाई साहब ये तो बजाज और ट्राइम्फ का कोलेबरेशन है, तो इस बाइक के अंदर वही 390 वाला इंजन का मिल लिया गया है। और आई गेस बहुत सारे लोगों को होगा ये शक भी, मगर देखो टेक्नोलॉजी दोनों ने जिसे कहते हैं शेयरिंग करी है, मगर इंजन और बॉडी और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये एग्जैक्टली अभी मतलब जिसे कहते हैं फ्रेशली डिज़ाइन वैसे आपको देखने को मिलेगी। अब मैं इसका एक छोटा सा हिंट आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी के अंदर जो आपका चेन ड्रिवन मैकेनिज्म है वो राइट हैंड साइड है। जैसे मैं यहाँ से आपको समझाऊंगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। राइट हैंड साइड आपका चेन मैकेनिज्म है और लेफ्ट की तरफ आपके पास में जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। बेसिकली KTM में ऐसा नहीं होता, तो ऐसा इसलिए करा है कंपनी ने क्योंकि ट्राइम्फ की बाकी जो इनकी कहते हैं ना बड़े भाई बहन जो हैं उन सब में ये का ही आपका तरीके से लगने वाला जिसे कहते हैं मैकेनिज्म होता है। और कंपनी कहती है कि अच्छा टॉर्क जनरेट करने के लिए ये वाला जो सेटअप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए ना कि ये इंजन पूरी तरह फ्लैश डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत दिखने वाला जो वी शेप है ये आपको यहाँ पर एक कवर देखने को मिलेगा, ट्राइम्फ का आपको लोगो देखने को मिलेगा, साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में इस तरीके की फिन्स बनी हुई है। तो ये वाटर कूल तो इंजन है ही, साथ के अंदर ये और ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए आपके एयर कूलिंग भी बहुत अच्छी रखी गई है। क्यूट से यहाँ पर आपके पास में दो एल्यूमिनियम के पैनल्स लगे हुए हैं, आई गेस एल्यूमिनियम या स्टील के पैनल्स हैं, जो कि पीछे की तरफ आपका थ्रॉटल बॉडी और जितनी भी चीज़ें उन सबको जिसे कहते हैं ना दिखने में स्लीक दिखने में वैसा रखने के लिए लगाए गए हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर आप देख कर पहचान जाएंगे कि आप चला रहे हैं या देख रहे हैं स्पीड 400। बहुत ही सादा खूबसूरत दिखने वाला आपको इसमें साइड पैनल लगा हुआ है और उसी के साथ में यहाँ पर फिजिकल दिखने वाला आपको पूरा का पूरा चैसी, ये वाला जो चैसी इसके ऊपर जो ये पेंट है ये आपके पास में ऑर्डिनरी पेंट नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि रॉकेट पेंट की क्वालिटी वैसे कुछ दिख रही है। गाइज मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस डिज़ाइन एलिमेंट का जिसमें ना चैसी पूरा का पूरा आपका फिजिकली विजिबल होना चाहिए। सो कुछ भी एक्स्ट्रा जैसे कहते हैं ना फालतू के नाटक गाड़ी में नहीं लगे हुए हैं। अब फालतू के नाटक नहीं रहेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी और सालों बाद जब आप गाड़ी चलाओगे तो खड़खड़ वाली जो रैटलिंग साउंड है वो अभी आपकी गाड़ी में कम हो जाती है। साथ ही गाइस जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे आपको स्लीक खूबसूरत पीछे की तरफ एक ग्रैब रेल मिल जाती है और उसके साथ में कुछ इस तरीके से दिखने वाली टेल लैंप। अब जब टेल लैंप की आप बात करो तो इसके अंदर आपके पास ना LED टेल लैंप दिख रही होती है और यहाँ से जब आप नोटिस करोगे तो ट्राइम्फ का आपको अगेन लोगो दिख रहा होगा। उसके ऊपर एक हल्का सा ना आपके पास में जो फाइबर होता है, फैब्रिक होता है, मतलब फैब्रिक फाइबर प्लास्टिक के अंदर ऊपर की तरफ यहाँ पे आपके पास में कवर लगा हुआ है और एक्सटेंडेड आपका मडगार्ड दिख रहा होता है। पीछे की तरफ LED जो आपके इंडिकेटर्स है उनका प्लेसमेंट यहाँ पर है और यहाँ रिफ्लेक्टर के साथ ही के अंदर जो नंबर प्लेट जो लगने वाली जगह है वो यहाँ कुछ इस तरीके से लग जाएगी। साथ में पीछे की तरफ जब हम बात करें तो इसके अंदर 6 बोल्ट के साथ में दिखने वाला जो स्प्रॉकेट है कुछ इस तरीके से आपका दिख रहा होता है और बहुत बड़ा स्प्रॉकेट भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, तो इस गाड़ी की एवरेज स्पीड आपकी अच्छी अटेन हो सकती है। कमेंट करके बताना कि ये गाड़ी कितनी तक टॉप में आपको लगता है कि चली जाएगी। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्वर जो है उसका प्लेसमेंट हल्का सा लेफ्ट की तरफ आपका करा हुआ है, आई गेस आप लोगों को अच्छी तरह दिख पा रहा हो यहाँ से। उसी के साथ में जो फ्लूइड है, ब्रेक फ्लूइड है, उसके लिए यहाँ पर आपके पास रिजर्वायर लगा हुआ है और नीचे की तरफ जब आप ब्रेक वगैरह लगाते हैं उसके साथ में आपके शू प्रोटेक्टर के हिसाब से, मतलब पेंट वगैरह रगेड खराब ना हो, इसीलिए आपके पास में यहाँ पर एक और आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा। अब जब आप इसके अंदर रियर फुट पैग्स आप देखते हो तो आप देखना यहाँ पर ना मेटल को इस तरीके से जैसे कहते हैं ना पाइप मोड करके और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के साथ में यहाँ पर आपका एक और एलिमेंट एड ऑन है। उधर वाला देखोगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ तो एग्जॉस्ट की साइज़ बहुत अच्छी है और एग्जॉस्ट की फिनिश बहुत अच्छी है और दिखने में जो एग्जॉस्ट है वो भी भाई साहब नो डाउट अच्छा है। मतलब जिसे कहते हैं ना साइड की प्रोफाइल है इस गाड़ी की वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुली डिज़ाइंड आपको यहाँ से महसूस हो रही होती है। पीछे की तरफ जब मैं बात करूँ तो टायर क्या साइज मुझे मिलता है, तो गाड़ी के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी और गाड़ी में देखता हूँ, इसमें तो गलत आगे पीछे हो रखा है और मेरे पास इतना ज़्यादा पावर नहीं है कि मैं इसको आगे पीछे कर सकूँ। भाई साहब मेरी किस्मत ऐसी है ना दोनों टायर वहीं के वहीं है। सो पीछे की तरफ आई गेस 150 गाड़ी के टायर की विड्थ होगी। अब ये काम करेंगे हम
शॉर्ट काटेंगे, उसके बाद आपको दिखा देंगे। सो कुछ इस प्रकार की आपको साइड से गाड़ी दिख रही होती है। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm है, जो कि डिसेंट अच्छी खासी आपको मिल रही होती है। साथ के अंदर एक चीज़ हम भूल गए थे बताना, आप बता देते हैं, यहाँ पर जैसे ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर आपके पास में जो रिजर्वॉयर है कूलेंट की, उसकी बॉटल लगी हुई है। सो कई सारे लोग ढूंढ रहे होंगे कि इसमें कूलेंट कहाँ से डलता है, तो दूसरी तरफ से इसमें कूलेंट डल रहा होता है। गाड़ी की आपको 2 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल रही होती है। और अगर मैं साइज सीट की बात करूँ तो 790 mm गाड़ी के अंदर आपको साइज जो सीट हाइट है वो मिल रही होती है। मेरी 165 cm हाइट है और मैं जब गाड़ी पे बैठूंगा तो वो अच्छा खासा आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि गाड़ी पे आप बैठते हैं तो आपके किस तरीके से पॉस्चर रहेगा। अब जब आप इस तरफ देखते हैं तो शिफ्टर कुछ यहाँ पर इस तरीके का आपको शिफ्टर दिख रहा होता है। ट्राइम्फ की फुटपैग्स जो है उनके ऊपर भी ब्रांडिंग है और कुछ इस तरीके से दिखने वाले आपको फुटपैग्स दिखेंगे। अब नीचे से जब आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट के कोने पर यहाँ पर आपका रबर लगा हुआ है, तो इट मीन्स अच्छा ये तो यहाँ पे रबर लगा हुआ है एंड गाड़ी के अंदर मेन स्टैंड जो है वो नहीं आता है। अब क्योंकि आप भारत देश में रह रहे हो, कैसे पता चलेगा कि भारत देश की बाइक देख रहे हो आप, हरदम आपको गाड़ी के अंदर एक साड़ी गार्ड लगा हुआ दिखेगा। सो ये मैंडेटरी लॉ है कि गाड़ी में आपके साड़ी गार्ड होना चाहिए। क्या करें, मम्मी भी तो बैठेगी गाड़ी पे कभी ना कभी। सो एनीवेज छोड़ो ये बात, पीछे की तरफ यहाँ पर अगेन हमारा बाइबर का सिंगल पॉट पिस्टन जो है वो कैलिपर लगा हुआ है। 230 mm जो रियर रोटर है उसकी साइज है और 6 स्पीड हमारे पास में गाड़ी जो है उसमें गियर असेंबली मिल रही होती है। ट्राइम्फ का बहुत बड़ा इधर की तरफ आपको लोगो, और जिसकी हम बात कर रहे थे ना फ्लूइड वाली, यहाँ से आप अपने कूलेंट को टॉप अप कर सकते हो। और कैसी है गाड़ी दिखने में, गेस करो इसकी कीमत। चलो मैं बता ही देता हूँ, गेस क्या करें, 3 लाख ऑन रोड आपको ये गाड़ी जयपुर में मिल रही होती है। वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था मैंने यार, छोड़ो और कुछ बताते हैं आपको इस गाड़ी के बारे में। सो ये तो रही सारी की सारी बातें। जो रियर आपका शॉक एब्जॉर्वर है वो प्रीलोड एडजस्टेबल है, जो कि 130 mm इसका टोटल ट्रैवल मिल रहा होता है। और राइड बाय वायर आपको ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड गाड़ी मिल रही होती है। सो जब आप यहाँ देखोगे ना तो आपको कोई एक्सीलेटर का तार नहीं है, मतलब वैसे वाला फिजिकल तार, बेसिकली यहाँ से नीचे की तरफ वायर जा रहा है। जितना आप यहाँ पे थ्रॉटल को सेंस करते हो उतना नीचे की तरफ ECU जो है कंप्यूटर वो स्कैन करेगा और उसी हिसाब से वो गाड़ी के अंदर पावर जो है वो आगे की तरफ दे रहा होता है। अब इस तरफ हमारे पास में गाड़ी में किल स्विच मिल जाता है, उसी के साथ में हैजर्ड लाइट का बटन, और नीचे की तरफ यहाँ पर हमारा सेल्फ का बटन मिल जाता है। जब आप इस तरफ देखते हो तो गाड़ी के अंदर यहाँ पर हमारे पास में लाइट के स्विचेस मिल जाते हैं, हाई बीम, लो बीम और पास का। ये हमारा जो गाड़ी का जैसे कहते हैं ना DRL वगैरह ऑन करना, उसके लिए मिल जाता है। ये वाला हमारा बटन है जिससे कि हम जो MID है उसके सारे के सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं। इंडिकेटर और हॉर्न, अब हॉर्न की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको हॉर्न दिखा देते हैं। सो यहाँ पर हमारा एक TT हॉर्न लगा हुआ है, और अगर मैं इसकी आवाज़ की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आवाज़ सुनाई देती है, तो अच्छा खासा लाउड हमको TT हॉर्न गाड़ी में मिल रहा होता है। और इंडिकेटर्स जो है उसका कुछ इस तरीके का थ्रो है। रात को किसी दिन गाड़ी की कोई रील बनाएंगे और आप लोगों को ढंग से दिखाएंगे कि जो लाइट से उसका थ्रो कैसा है, और फ्रंट जो लाइट है उसका कैसा थ्रो है। हम क्या करते हैं, हम पास मार के दिखा देते हैं आपको। भाई साहब देखो, दिन के हिसाब से देखा जाए ना तो रोशनी जो है लाइट्स की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे देखने को मिल रही है। अब गाइस बात करते हैं सीधे के सीधे मीटर की, सो मतलब स्पीडोमीटर की। तो स्पीडोमीटर जब आप देखते हो तो मिनिमलिस्टिक छोटी सी क्यूट सी आपको डिज़ाइन मीटर में मिल रही होती है। अब गाड़ी ऑफ करके ऑन करते हैं तो जैसे आप ऑन करते हो कुछ इस प्रकार से आपका मीटर दिख रहा होता है। 180 की आपको मीटर में टॉप स्पीड दिख रही होती है किलोमीटर आर के अंदर। ट्राइम्फ का छोटा सा लोगो और उसी के साथ में बहुत सारी लाइट्स। सो गाड़ी के अंदर न्यूट्रल, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इन सब की आपको लाइट्स दिख रही होती है। इस तरफ हमारे पास में एक छोटा सा डिजिटल कंसोल दिख रहा होता है जिसके अंदर कौन से गियर में इस वक्त गाड़ी है वो दिख रहा होता है। उसी के साथ के अंदर यहाँ से आपको दिख रहा होता है कि गाड़ी का इग्निशन ऑन है या ऑफ है, तो जैसे आपने इसको ऑन करा वैसे ही यहाँ पर अभी इस तरीके से दिख रही है। ये जो हमारे सामने गाड़ी है ये कितने किलोमीटर चली हुई है, ये मात्र 7 किलोमीटर हमारी चली हुई है। और उसी के साथ के अंदर यहाँ पर हमारा फ्यूल गेज आ गया, इधर की तरफ हमारा RPM जा रहा होगा ऊपर और नीचे। और उसी के साथ में अगर आपको ट्रिप एडजस्ट करनी हो तो इस बटन को दबा के आप ट्रिप जो है ट्रिप ए ट्रिप बी, साथ ही के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोलर जो भी चीज़ें उनको सबको ऑन या ऑफ कर सकते हो। नाइस,
सो कुछ इस तरीके से दिखने वाली आपकी ट्राइम्फ स्पीड 400 है। अब छोटी मोटी और डिटेल्ड अगर आपको चीज़ें जाननी हो, फॉर एग्जांपल गाड़ी में पीछे की तरफ जो आपको स्विंग आर्म है वो एल्यूमिनियम की मिल रही होती है, उसी के साथ में गाड़ी के अंदर मेटल, प्लास्टिक और अलग रगेड जो पेंट है, इन सब का जो यूज़ करा गया है, अगर उसको रियल में एक्सपीरियंस करना हो तो आपको शोरूम पर आना चाहिए, गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब ये तो रही गाड़ी की डिटेल्ड बातें, अब करते हैं थोड़ी सी और एक्सक्लूसिव बातें। फॉर एग्जांपल गाड़ी की यहाँ से आप सीट खोल सकते हो, टटड़ा। सो जैसे आप सीट खोलते हो, सॉरी, आपके अकेले में ये सारे काम जो है ना थोड़े से टफ हो जाते हैं। सो यहाँ से हमने सीट खोली तो वन, जिसे कहते हैं क्लिक के साथ, आपकी सीट ओपन हो जाती है। अब नीचे की तरफ यहाँ पर हमारी गाड़ी में एक बैटरी मिल जाती है, साथ के अंदर फिल्टर्स वगैरह, फ्यूज़ वगैरह सारे के सारे। एक एक्सक्लूसिव चीज़ जो आपको ट्राइम्फ देता है वो क्या देता है, सबसे पहले एक तो चाबी, और चाबी के साथ आपको एक एक्स्ट्रा लॉक मिल रहा होता है कुछ इस प्रकार का। तो इन केस अगर आप गाड़ी के अंदर कभी भी कोई एक्स्ट्रा एड ऑन एक्सेसरी लगाते हो तो आपको कोई दूसरी चाबी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ये वाली जो की है इसी से ही वो जो आपकी लॉकेबल एक्सेसरीज हैं उन सबको आप प्रॉपरली लगा सकते हो और गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी को चलाते हैं और सीधे के सीधे आपको बताते हैं ड्राइव एक्सपीरियंस। तो गाइज चलो यार आप चले जाओ। सो चांस मिला हमको स्पीड 400 चलाने का और लेट्स सी कैसी चल रही है। अभी हल्के फुल्के हम ट्रैफिक के अंदर चल रहे हैं, मगर यस जो भी साइड से जा रहा है वो एक बार आपकी बाइक को गौर करके देख ही रहा है। मिल गया हमको ग्रीन लाइट, देखो। अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई क्लासिक बाइक लेकर चल रहा हूं, मगर ड्राइव एक्सपीरियंस आपका सुपर बाइक जैसा का जैसा है। आप जिस गियर में भी खींचते हो गाड़ी, मतलब रैंडम है भी, किसी भी गियर में हो, अगर आप जैसे एक्सेलरेट करते हो वैसे ही आपकी गाड़ी रॉक एंड रोल करती हुई निकल रही होती है। आपको एक कॉन्फिडेंस जो बिल्टअप है वो नो डाउट आपको मिल रहा होता है। अभी हम क्या करते हैं, हम एक ओहो भाई साहब बाइट फोर्स, ब्रेक्स का बाइट फोर्स जो है ना, जस्ट वाओ, लिटरली जस्ट वाओ। जो बाइट फोर्स ब्रेकों का मुझे अभी महसूस हुआ ना वो इनक्रेडिबल है। आपको ऐसा फील होने ही नहीं देती बाइक बिल्कुल भी कि जितनी तेज़ी भाग रही उतनी जल्दी रुकेगी या कि नहीं रुकेगी, और ABS भी आपको क्या इतनी सी दूर में निकल जाएगी, नहीं थोड़ी सी गाड़ियाँ पास लगी हुई है। सो वाइड आपके पास हैंडल बार मिल रहा है, अच्छा लाउड आपके पास में हॉर्न, भाई साहब भी अच्छी लगी आपको अंकल जी। हम इंडिकेटर दे लेते हैं, सो खाली रोड पर वील ट्राई कि हम इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को एक्सप्लोर कर पाए। सो 39.5 जो BHP आपको पावर है, देखो गाइज वो भी इनफ है। दूसरा गाड़ी में ना आपको जो रैक एंगल है 24.5 कुछ है, इसमें रैक एंगल जिस हिसाब से गाड़ी का कहते हैं ना एर्गोनॉमिक्स है, उस हिसाब से ये इजीली इधर उधर भी कट रही है और सीधी भी आप चला रहे हो तो आपको परेशानी नहीं होती। हल्का सा थंब जो है ना वो एक क्लासिक थंब दे रखा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे आप मेरे बगल में KTM को सुन रहे हो ना, KTM की जैसी आवाज़ है ना वैसी आपको फील नहीं होती। गियर का शिफ्टिंग सबसे पहले, एक तो हल्का सा गियर ऐसे जैसे होता है ना फील कट 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 वाली, वैसे आपको फीलिंग गियर्स में मिलती है।
जस्ट वाओ। स्लिपर क्लच गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, तो स्लिपर क्लच होने की वजह से जब आप डाउन शिफ्ट करते हो तो हाई आरपीएम, ओहो, हाई आरपीएम मेंटेन करने के लिए जो स्लिपर क्लच का फ़ायदा है ना, हाई से एकदम से लो आने पर वो आपको मिल रहा होता है। और जितनी भी आपको लेटेस्ट इंजन्स में टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, ड्यूअल कैमशाफ्ट, स्लिपर क्लच, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो भी है। और उसी के साथ में देखा जाए तो यहाँ से तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बहुत क्यूट सा छोटा सा आपके पास में कॉकपिट हो। आई विश इस बाइक को लॉन्ग ड्राइव का जो एक्सपीरियंस है ना, अगर उस पर वीडियो बनाए तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। आई विश ट्रायम्फ इंडिया, राजस्थान में तो वैसे हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रखा होता है, ट्रायम्फ इंडिया की तरफ से बाइक मिले हमको। अब जिन जिन लोगों को गेयरिंग करनी आती है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आती, आप अपनी गाड़ी को हाई से लो लेते वक्त अगर कंट्रोल करना है तो आप गियर्स में कर सकते हो। अब देखो हल्के से हम ऑफ द रोड आए तो भी हमको पॉटहोल्स महसूस नहीं हुए, जैसे अभी मैं चलाता हुआ अगर कोई खड्डे आएंगे वापस तो हल्का सा कोशिश करेंगे वहाँ चलाने की, तो हल्के से भी पॉटहोल्स में हमने इसको चलाया तो अनकंफर्टेबल सा महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे खड्डा भी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। और जब इसमें नहीं हुआ तो मुझे लगता है स्क्रैम्बलर में कितना मज़ा आएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं गाड़ी की हर गियर में टॉप स्पीड कितनी जा रही है। तो अगर मैं फर्स्ट गियर की बात करूं तो मेरी 40 जा रही है, अगर मैं सेकंड गियर की बात करूं तो मेरी गाड़ी 70 जा रही है, अगर मैं थर्ड गियर की बात करूं तो 90 जा रही है, मतलब थर्ड गियर में मेरी गाड़ी 90 जा रही है, अगर मैं फोर्थ गियर की बात करूं तो 110 सिर्फ फोर्थ गियर में मेरी गाड़ी जा रही है, अगर मैं फिफ्थ गियर की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 130 मेरी गाड़ी फिफ्थ गियर में जा रही है। मतलब मुझे लगता है कि 130-140 तक भी ये जा सकती थी। और सिक्स गियर के लिए हमको यहाँ पर रोड नहीं है। ये तो रही गाड़ी में हर गियर में टॉप स्पीड की बात। अब मैं बात करता हूँ ब्रेकिंग की, तो हम क्या करते हैं, हम एक 60 की स्पीड में गाड़ी लेते हैं और 60 की स्पीड में ब्रेक लगाते हैं, आस पड़ोस में चेक कर लेते हैं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। और एक रैंडम इंसान चल रहा है 60 की स्पीड में और उसने ब्रेक मार दिए पूरे के पूरे। अब पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पर भी आपने देखा होगा और मैं आपको वापस भी दिखा दूँ, पीछे की तरफ कोई भी नहीं है। 60 की स्पीड में मैं आया, मैंने दोनों ब्रेक पूरे के पूरे प्रेस कर दिए। ABS आर सुपर अमेजिंग, आपकी गाड़ी के टायर ने बिल्कुल भी कहीं पर स्किड नहीं करा है। जैसे आपने पूरे के पूरे ब्रेक प्रेस करे वैसे ही आपके ABS गाड़ी में जो है प्रॉपरली काम करें और उन्होंने गाड़ी को कंट्रोल करा है। और जो कि इस तरीके की पावरफुल बाइक, और अगर कोई भी नया इंसान इस गाड़ी को चलाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीट की बात करूँ तो सीट की कुशनिंग भी बहुत अच्छी है और सस्पेंशन का ट्रैवल जो है, सस्पेंशन का ट्रैवल सच बताऊँ तो बहुत अच्छा है। मतलब गाड़ी में वेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको हल्की सी महसूस होगी। 176 kg, मतलब अभी भी मैं बात करूँ ना तो 170 kg की बाइक है, तो वेट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हल्की फुल्की बाइक सी महसूस हो, वज़न तो है मगर उस वज़न के साथ में आप कैसे भी गाड़ी चलते हो। अब जैसे मैं यहाँ आया, इस खड्डे में मैंने गाड़ी गिरी, तो जब आप गाड़ी खड्डे में जा रही है तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अंदर की तरफ फील होने वाली सी चीज़, वैसी वाली। और साथ ही के अंदर अगर मैं टर्निंग रेडियस की बात करूं तो आप इतनी सी दूरी में, ये देखो आप इतनी सी दूरी में अपनी बाइक को आराम से घुमा सकते हो, उसमें भी आपको भाई साहब क्रेजी पावर। तो यहाँ पर भी जब मैं उसको पॉटहोल्स में से निकाल रहा हूँ तो मुझको ऐसे वाली फीलिंग नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे हार्श खड्डे महसूस हो रहे हैं। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी बाइक्स को लेकर लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हो तो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की निम्बलनेस की। जब आप इस गाड़ी को लेकर चलते हो तो आपको पहला कॉन्फिडेंस ऐसा मिलता है कि आपको जैसे कोई जगह दिखे वैसे आप निकल सकते हो। हाँ, स्ट्रीट हैंडल वाइड है और जो हैंडल बार है वो आपकी वाइड होनी भी चाहिए। सो अगर आपके पास वाइड हैंडल बार होता है तो आपको बहुत अच्छा कंट्रोल करने में आसानी होती है। साथ ही के अंदर गाड़ी की
कंट्रोलिंग के अंदर आपको है ना ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं पर भी अगर रोकना चाहो तो इसको आराम से रोक सकते हो, आप भगाना चाहो तो भाई साहब ये देखो आप ये पॉट होल्स इजी पीजी। कैजुअल, बिल्कुल कैजुअल में आप इस गाड़ी को 140 चला रहे होते हो, और अगर हमें कभी मौका मिलता तो हम इस गाड़ी को 140 प्लस भी चला सकते हैं, पर ये जो रोड है ये आपका 140 सपोर्ट कर रही है, ये बड़ी बात है। और माइलेज क्या आने वाला है इस गाड़ी का वो तो देखो लॉन्ग टर्म जो रिव्यू वही है, पर मेरे हिसाब से इस गाड़ी का अगर 30 तक का भी माइलेज आ जाता है ना, मतलब 25-30 तो भी ये मतलब एग्रेसिव राइड के बाद में तो भी एक बहुत अच्छा पार्ट है। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल स्टेयरिंग में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, गाड़ी में भी बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, जैसा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटर बाइक चलाओ उसमें आपको हो सकता है वाइब्रेशन महसूस हो, इस गाड़ी में बिल्कुल भी आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होते। फुल्ली पैक्ड रिफाइंड बाइक, और मेरी मानो तो इस बाइक को पक्का पक्का आप ट्राइम्फ का जो डीलरशिप है वहाँ पर आना, चला के देखना, आपको इस बाइक से नो डाउट प्यार हो जाएगा। और अगर मैं मेरी बात करूँ ना तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्विच करनी पड़ जाएगी बाइक भाई लोगों, अगर इसी तरीके से ये वाली चलाता रहा तो मैं, मेरे तो ऐसा है कि अगर घर वालों को भी ये बाइक दिखाऊँ ना पहली नज़र में तो भी मेरे घर वाले मुझे नहीं लगता इस बाइक के लिए मना करेंगे। और कलर्स में भी देखा जाए तो रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर ब्लैक कलर जो इसका है फ्रॉम माय व्यू सबसे ज़्यादा उसकी सेल होगी, क्योंकि मेरे साथ में जितने भी बाइकर्स आए थे दे लव दैट कलर। आई गेस आप लोग वो सेम जो मैं अभी फील कर रहा हूँ वो कर रहे होंगे मेरे साथ में। इसको जितना ड्राइवेबल, जितना ज़्यादा आप इस बाइक को चलाओ ना उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आने लग रहा है। साइड मिरर्स की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइड मिरर की बात करूँ तो साइड मिरर्स की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, हालांकि क्यूट से छोटे छोटे आपके पास मिरर्स हैं मगर मिरर्स की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब देखो आप खड्डों में मैं लेकर गया इस बाइक को, ईजी। अब मैं ये सोच रहा हूँ जब ये ऐसी है तो स्क्रैम्बलर कैसी होगी चलाने के अंदर। देखो गाइस जब ये वाली बाइक इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल और वाव फैक्टर दे रही है तो इसके अंदर जो स्क्रैम्बलर है उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। लंबी हुई सो एक और चीज़ है जिसके ऊपर मैं आप लोगों का फोकस लाना चाहूँगा गाइज, इसमें जो टायर्स हैं वो सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब की ये गाड़ी है उस हिसाब से इसमें टायर की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी चाहिए। सो जब आप लीन कर रहे हो ना गाड़ी को तो भी आपकी जो कंट्रोलिंग है वो कहीं पर भी ना ड्रॉप नहीं हो रही। और अभी मैं जो इस गाड़ी, ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इस वक्त, इसके अंदर अपोलो H1 है, सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स हैं और अच्छी खासी आपको कॉर्नर्स के ऊपर भी वो पकड़ दे रहे हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा कॉर्नरिंग करने के लिए तो ये कंपनी भी नहीं बनाई, पर फन टू ड्राइव, नो डाउट फन टू ड्राइव। और अब हम क्या करते हैं, हम वापस इस बाइक को लेके शोरूम जाते हैं कुछ खड्डों में ऑफ रोडिंग करते हुए। आई गेस ये जो हमने वीडियो बनाया ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा हो, और अपनी ड्रीम बाइक लेने के लिए इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो। अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हो। देखो जंप पे उड़ाते हुए चलते हैं अपन थोड़ा सा, वो सो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथी के अंदर ऐसे ही वीडियो देखते जाएं। आई होप सो गाइज, अभी भी अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हो तो
आपको सुना देते हैं इस गाड़ी की आवाज। सो सबसे पहले हमने लगाया साइड स्टैंड, और जैसे आप साइड स्टैंड लगाते हो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर भी खड़ा हूँ तो 165 सेंटीमीटर के हिसाब से मेरी जो हाइट है उसके हिसाब से देखो आप मेरे पैर प्रॉपरली टिक रहे हैं, हल्के फुल्के पीछे से ऊपर है, पर वो तो मेरी इस बाइक पर भी है, उस बाइक पर भी, और बाकी बाइक्स पे भी कुछ इस तरीके से आपकी बाइक दिख रही होती है बाहर से। और अगर मैं एग्जॉस्ट नोट की बात करूँ तो आई गेस आपको सुनाई दे जाएगा। और साथ ही के अंदर मैंने जब रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि इस बाइक के अंदर जो चेन है उसमें ओ रिंग के साथ में एक्स रिंग भी आती है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की चेन है उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी बनी रहती है। सो गाइस, गाड़ी का हमने एक्सपीरियंस कर लिया। आई होप आपको पूरे के पूरे वीडियो में सारी की सारी डिटेल्ड एक्सपीरियंस मिल गया हो। अगर फिर भी कोई चीज़ बचे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, वील ट्राई कि हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड अलग से वीडियो बनाए। अब इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं, मगर उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन भागी भागी बात कर लेते हैं। सो गाड़ी के अंदर आपको 16,000 रुपये सर्विस होगी, अप्रॉक्स में ही मान के चल रहा हूँ कि 4,000-5,000 रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट आएगी। और बहुत सारे लोगों ने गाड़ी बुक करा दी, तो जल्दी जाना अपनी गाड़ी बुक कराना। अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ट्राइव का एक्सपीरियंस लेना हो तो आप टोंक रोड पे इनका आउटलेट आप जाके एक्सपीरियंस ले सकते हो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में। ऐसे ही प्यार बरसा के रखना और खूब सारे ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।